नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राची डाबा डुस्के पर। दोस्तों आज हम फिर आपको एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बताएंगे कैसे आप अनचाहे बाल अनवांटेड हेयर से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं, वो भी घर पर ही सिंपल से कुछ उपाय करके, साधारण उपाय। हम अपने वीडियो में अधिकतर ही ऐसे उपाय बताते हैं जो आसान हो, घर पर मिलने वाले हो और सस्ते हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अनवांटेड बालों को कैसे हटाएं परमानेंटली, आप उनको हमेशा के लिए हटा सकते हैं हमारे इस तरीके का प्रयोग करके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं जो भी मित्र पहली बार आज हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों आप यहां पर एक बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता ले, इसको दबाकर आप हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो रोज देख पाए और उनसे लाभ उठा पाए। दोस्तों यदि आप सदस्यता नहीं लेते हैं तो आप हमारे वीडियो रोज नहीं देख पाते, इसलिए जरूरी है कि आप सदस्यता लें। हम बात कर रहे थे अनचाहे बालों की। तो दोस्तों अनचाहे बालों को हटाने के लिए कच्चा पपीता बहुत फायदेमंद है। ये वही वाला कच्चा पपीता है जो जनरली एमसी में मासिक पीरियड में काम आता है, उसी पपीते को आपको लेना है। कच्चा हो बिल्कुल, थोड़ा सा भी पका भी पपीता ना हो, एकदम कच्चा पपीता ले और कच्चे पपीते को थोड़ा सा स्लाइस में काट ले, इसका ये जो छिलका वगैरह ये हटाकर इसको काट ले। काटने के बाद इसको मिक्सर में आप पीस सकते हैं ताकि इसका एक पेस्ट टाइप का बन जाए। तो आपको पेस्ट बनाना है इसका पपीते का, साथ ही इस पपीते में आपको मिलानी है कच्ची हल्दी। पेस्ट बनाते टाइम मिला लें या बाद में भी मिलाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको इसको पीस लेना होगा। पहले कच्ची हल्दी को आपको पीस लेना है, इसका भी पेस्ट बना लेना है, कच्चे पपीते का भी आपको पेस्ट बनाना है। दोनों का पेस्ट बना के दोनों को मिक्स कर देना है। बेहतर हो जब आप कच्चा पपीता पीसे तभी कच्ची हल्दी भी छोटी छोटी स्लाइड में काट के और पपीते के साथ मिक्स कर दे और फिर इनके बाद इसको पीस ले, तो आपका जो पेस्ट है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोस्तों यदि आपके पास कच्ची हल्दी की व्यवस्था ना हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कच्ची हल्दी मिले, इसके फायदे काफी अच्छे होते हैं। पुराने समय में जब शादियां होती थी तब अक्सर हल्दी का लेप लगाया जाता था वरवधु को ताकि उनकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगे, वो हेल्दी हो जाए, तो ये इसलिए भी काम आता है। हालांकि कच्चा पपीता तो स्किन हेल्दी करने के बहुत काम का है, इसमें अगर कच्ची हल्दी मिला दी जाती है तो जो बाल हटते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो स्किन खराब होती है उसमें ये फायदा कर जाते हैं, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। तो बेहतर हो कच्ची हल्दी का यूज करें, ना मिल पाए तो बेशक आप ले सकते हैं बिल्कुल हल्दी पाउडर और कच्चे पपीते में इसको मिक्स करके पेस्ट बना लें। दोस्तों इस पेस्ट को बनाकर आपको जहां के भी बाल साफ करने हो हटाने हो वहां पर इसको लगाना है पेस्ट को, और लगाने के बाद कम से कम 15 या 20 मिनट इसको लगा रहने, कोशिश करें जितना ये सूख सके उतना सूख जाए। उसके बाद स्क्रब करते हुए इसको हटा लें, स्क्रब या मसाज भी करके हटा सकते हैं आप, जिससे क्या जो बाल मुलायम हो गए होंगे वो स्क्रब के साथ इजीली हट जाएंगे। और ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार करना है, और अगर आप 2 बार इसको करते हैं हर हफ्ते तो आपके जो बाल है जो भी स्थायी बाल है वो सभी कुछ ही समय में धीरे धीरे परमानेंटली गायब हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे और फिर दोबारा वहां पर बाल नहीं आएंगे। एक बार अगर हट गए तो दोबारा नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस नुस्खे को ट्राई कीजिए, सिंपल नुस्खा है, पपीता और हल्दी का पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाकर जहां पर भी इफेक्टेड जगह जहां पर भी बाल हटाना है वहां पर लगाना है, 20 मिनट उसको सुखाना है और उसके बाद स्क्रब मसाज करते हुए आपको हटा लेना है। आपके बाल हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको फोन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, बुरा लगा हो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, और साथ ही अगर अच्छा लगा हो आपको लगता है कि ये और भी लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है तो जरूर शेयर करें, अपनी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर सभी जगह शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा पाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।